खबर अंबिकापुर के सरगुजा से है, जहां पर जमीन बंटवारे को लेकर विवाद मामले को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर भतीजे ने अपनी दो पत्नियों के साथ मिलकर अपनी ही बुआ को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला सरगुजा जिले के दरीमा थाना क्षेत्र का है, जहां पर सगे भतीजे ने अपनी दो पत्नियों के साथ मिलकर अपनी बुआ को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल 11 नवम्बर को लखनपुर के नवापारा अमगस्सी के रहने वाली मुन्नीबाई अपने भाई रामलाल के घर दरीमा के ग्राम महुआ टिकरा आई हुई थी, तभी मृतिका मुन्नीबाई के भतीजे राम भजन और उसकी दो पत्नियों के साथ में जमीन के हिस्से यानी कि बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि भतीजे ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर सभी भुआ पर हमला कर दिया। महिला की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं घटना के बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं। थाना दरिमा अंतर्गत ग्राम महुआ टिकरा पड़ता है, वहाँ पर दो दिन पूर्व जो एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जमीन विवाद को लेकर भतीजे और दो महिलाओं ने, तीन लोगों ने मिलकर अपनी बुआ को मार दिया था, जिसमें टांगी से वार करके उसमें हमला किया गया था। पहले तो वह घायल हुई थी और घायल होने के आधार पर IPC की 94 506 323 और 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में